नमस्कार, मैं पंडित राकेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम जी पंडित जी लेकर। जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा रही है कि हम सर्वप्रथम इसमें राशिफल लेते हैं, तत्पश्चात ज्योतिष या वास्तु के बारे में कोई विचार करते हैं या आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ आती हैं तो उसके ऊपर हम समाधानों को देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके लोकप्रिय राशिफल की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कष्टमय है, क्योंकि आज आपके छठे घर का स्वामी बुध जो है वह आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, अतः आपको पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आपके कोई भी घर परिवार में कोई अगर ग्रह क्लेश चल रहा है तो उसमें आपकी समस्या जो बढ़ सकती है और आपको उसमें कष्ट आ सकता है, अतः आज आप ध्यान से रहें, अपने आप को संभाल करके चलें। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी यह दिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि आज के दिन इनको अपनी घर में और कोई भी होने वाली समस्या में काफ़ी नुकसान हो सकता है तथा वह काफ़ी ज़्यादा डिफेम हो सकती हैं। आज के दिन आपका लक्की नंबर दिखाई देता है 7 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 6। आज के दिन आपका फेवरेबल कलर दिखाई देता है रेड और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है ग्रे। यदि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। चलिए तो अब चलते हैं आज की दूसरी राशि की तरफ, जो कि है वृष राशि अर्थात टॉरस। टॉरस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उत्तम है, कोई भी प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा और आप एक अच्छी मानसिक स्थिति में आज के दिन को व्यतीत करने में सफल रहेंगे। बच्चों के लिए भी यह दिन बहुत शुभ है, कोई भी प्रयास करेंगे डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो यदि आपके स्कूल में कोई भी असाइनमेंट आज देना है तो आज उसे दे डालिए, यू विल बी अप्रिशिएटेड। सिमिलरली फॉर दी वुमेन आल्सो, लेडीज़ के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है, आज आपके सबॉर्डिनेट से, आपके बॉस से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने काम के लिए प्रशंसा पाएंगे। आज के दिन आपका लक्की नंबर दिखाई देता है 4 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 1। आज के दिन आपके लिए जो फेवरेबल कलर दिखाई देता है वह दिखाई देता है वाइट और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है ग्रे। आज के दिन यदि आप शिवजी महाराज की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। तो चलिए दर्शकों अब चलते हैं आज की अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मध्यम है, क्योंकि आज के दिन उनको किसी भी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ सकता है, अतः आज के दिन यदि कोई आपकी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसे बहुत ही संयम से और बहुत ही शांति से निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई और भी समस्या घुस सकती है जो कि उस कार्य को और उलझा सकती है। बच्चों के लिए भी ये दिन बहुत शुभ नहीं है, यदि आपको कोई डिमांड है तो आज के दिन उसे पेंडिंग रखिए, क्योंकि आज के दिन की हुई डिमांड हाफ हार्टेडली पूरी होगी या पूरी नहीं होगी, अतः आज के दिन उसे पेंडिंग करें। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी ये दिन जो है वह कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में किए जाने वाला कोई भी प्रयास बहुत ज़्यादा विशेषतः सराहा नहीं जाएगा। आज के दिन आपका जो लक्की नंबर दिखाई देता है वह दिखाई देता है 3 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 1। आज के दिन आपका फेवरेबल कलर दिखाई देता है ग्रीन और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है ग्रे। यदि आज के दिन आप शिवजी की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। तो चलिए अब चलते हैं आज की अगली राशि की तरफ, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उत्तम है, प्रयास करें, लाभ होगा, कोई ना कोई विशेष शुभ सूचना मिलेगी और आपके अपने प्रयासों से आपको सफलता अधिक मात्रा में मिलेगी, अर्थात यदि आज आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस सक्सेस। बच्चों के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है, कोई भी कार्य करेंगे उन्हें तुरंत सफलता मिलेगी, अतः आज के दिन आपका कोई भी होमवर्क या कोई भी असाइनमेंट है या कोई भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी अप्रिशिएटेड। स्त्रियों के लिए भी ये दिन बहुत शुभ है, आज के दिन कोई भी प्रयास करिए, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं अपने कुकिंग में या कहीं भी,
तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड होगा एंड यू विल बी डिलाइटेड बाय द अप्रिसिएशन ऑफ द अदर्स फॉर द जॉब यू आर डूइंग। आज के दिन आपका जो लक्की नंबर दिखाई देता है वह दिखाई देता है 6 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 2। आज के दिन आपके लिए जो फेवरेबल कलर दिखाई देता है वह दिखाई देता है पीला और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है काला। तो चलिए दर्शकों, अब चलते हैं आज की अगली राशि की तरफ जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मध्यम है क्योंकि प्रयास करने पर भी आंशिक सफलता ही मिलने का संभावना है। अतः डोंट लूज हार्ट, डोंट बी सो इम्पेशेंट, डू योर वर्क, कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड एट द एंड ऑफ द डे। आज के दिन आपको कोई आर्थिक समस्या भी आ सकती है जिस वजह से आप थोड़े से मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये दिन जो है बहुत ज़्यादा होपफुल या बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, अतः थोड़ा सा संयम बरतें और अपने आप को सही तरीके से निकालने का प्रयास करें। इसी तरह से स्त्रियों के लिए भी ये दिन कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं है। आज के दिन किया हुआ कोई भी प्रयास बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अप्रिशिएबल नहीं होगा। आज के दिन आपका जो लक्की नंबर दिखाई देता है वह दिखाई देता है 7 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 4। आज के दिन आपके लिए जो फेवरेबल कलर दिखाई देता है वह दिखाई देता है पिंक और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है वाइट। आज के दिन यदि आप शिवजी महाराज की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, इसका यदि आप एक माला करके अपने दिन का प्रारंभ करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। चलिए दर्शकों, अब चलते हैं अगली राशि की तरफ जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मध्यम है, पूर्वार्ध बहुत मध्यम रहेगा, थोड़ी सी विफलता का सामना भी करना पड़ सकता है, थोड़ी सी मानसिक अशांति भी रह सकती है, परंतु जैसे जैसे उत्तरार्ध की तरफ आएंगे आपको लाभ होगा और आप उसमें फ़ायदा उठा पाएंगे। जो आपकी पूर्वार्ध की समस्याएं हैं वह उत्तरार्ध में आकर के सुलझना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, इन सब में काफ़ी सुधार आएगा जो आपकी अंततः मन स्थिति को बहुत ज़्यादा उत्तमता देगा। आज के लिए आपका जो लक्की नंबर दिखाई देता है वह दिखाई देता है 6 और अनलक्की नंबर दिखाई देता है 2। आज के दिन आपके लिए फेवरेबल कलर दिखाई देता है वाइट और अनफेवरेबल कलर दिखाई देता है रेड।